हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 11 का मैथ, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.4 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करें क्या, यहाँ देखिए सेट्स 11 है ना, यानी 11 लेक्चर 11 है। तो सेट्स 01 बाय एस पी यादव, सेट्स 02 बाय एस पी यादव, ठीक है, इसी प्रकार सेट 03 बाय एस पी यादव करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइंस क्लासेस बाय एस पी यादव के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पर देखिए क्लास 8 to 12 के वीडियो आएंगे। क्लास 8 के मैथ के वीडियो जो है आपको सुबह 8 बजे आ जाएंगे। क्लास 9 के जो गणित के वीडियो है वो 9 बजे सुबह में अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे। क्लास 10th के जो गणित के वीडियो है वो 10 बजे आज सुबह में अपलोड हो जाएंगे। ये सोमवार, बुधवार और गुरुवार, ये आपके हिंदी मीडियम का है। क्लास 11th के मैथ जो है वो सुबह 8 बजे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे। क्लास 12th के जो फिजिक्स का वीडियो है वो सुबह 9 बजे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे। क्लास 12th के इंग्लिश का जो वीडियो है वो आपको 10 बजे सुबह में अपलोड हो जाएंगे। ये आपके इंग्लिश मीडियम रहेंगे, ये मंगलवार, गुरुवार और शनिवार आएंगे। ठीक है, थैंक यू। आइए देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या है आपका कंप्लीमेंट ऑपोजिट? क्या है कंप्लीमेंट ऑपोजिट? कंप्लीमेंट क्या होता है, डिफिनीशन से जानेंगे। आइए, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू जो होता है यूनिवर्सल सेट, आप लोग पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में। एंड ए जो है ए सबसेट ऑफ यू, ए सेट जो है, ए जो है सेट है, सबसेट है किसका, यू मतलब यूनिवर्सल का। सबसेट क्या होता है आपको समझ रहे हैं, एक है यूनिवर्सल सेट, एक है ए सेट, यानी ए जो होगा सबसेट ऑफ, सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, यानी ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, समझे, यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, तो वो ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होंगे। आइए ध्यान से देखिए, देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए, और ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, सुनिए, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को हम लोग ले लेंगे। सुनिए और ध्यान से, आगे का लिखा है विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन ए में जो एलिमेंट होंगे उसको हम लोग छोड़ देंगे। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए, आपको अगर ए का कंप्लीमेंट निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालिए, तो यूनिवर्सल माइनस ए, इसे कह सकते हैं आप लोग ना, कह सकते हैं ना, यूनिवर्सल माइनस ए कह सकते हैं कि नहीं, आइए देखिए कैसे। अब मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए, ए नहीं, पहले यूनिवर्सल लेते हैं, यूनिवर्सल सब लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए, कोई दिक्कत, ए हमने एक सेट लिया 1 3 5 7 9, बी हमने सेट लिया 2 4 6 8, ठीक है, हमने ए सेट लिया, बी सेट लिया, एक यूनिवर्सल सेट भी है। देखिए तो थोड़ा, क्या है यूनिवर्सल, ए जो है सबसेट ऑफ यूनिवर्सल है कि नहीं है, एकदम है, क्योंकि ध्यान से देखा जाए थोड़ा कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे बी में प्रेजेंट हैं, तो 100% है क्या है कि ये ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और बी के भी जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, देख रहे हैं ध्यान से, इसमें प्रेजेंट है 2 4 6 8, है ना, 2 4 6 8, यानी कि बी इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट यानी सबसेट क्या होता है, यानी कोई भी दो सेट होता है, यानी जिसका सबसेट जो होता है उसके सारे एलिमेंट अगला सेट में मौजूद होना चाहिए। चलिए तो हम लोग निकाले कॉम्प्लीमेंट, आइए तो हम लोग निकालते हैं अब ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का ये साइन देंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या बोले हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट कब निकालेंगे, देखिए देखिए ध्यान से थोड़ा, ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट के पूरा एलिमेंट को लिख देना है, लेकिन बट विच आर नॉट प्रेजेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए में वो होना नहीं चाहिए। अब देखिए मतलब क्या है, जो ए में है उसको छोड़ के लिखिए, ए में देखिए 1 है तो नहीं लिखेंगे, 2 लिख देंगे, आइए 2, ये 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिख देंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिख देंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिख देंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 10 लिख देंगे, यानी समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो जो ए में जो मौजूद होंगे वो इसमें से नहीं लिखना, इसमें से यूनिवर्सल में से नहीं लिखेंगे, ए सेट में जो मौजूद होंगे, जो प्रेजेंट होंगे वो हमको यूनिवर्सल के सारे लिखने हैं, लेकिन ए में जो है वो नहीं लिखने हैं। आइए बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालते हैं,
बी का कन्वर्ट क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। बी में जो जो देखिए, अब ये थी ध्यान समझिएगा, क्या बी सबसेट है ना ए के भाई यूनिवर्सल के, तो अब बी में जितने भी एलिमेंट हैं दिखाया थोड़ा ध्यान से, 2, 4, 6, 8, तो 2, 4, 6, 8 काट देना है, हटा देना है ना, तो हम लोग लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 10। कोई दिक्कत, आइए अगला लेते हैं, कोई यूनिवर्सल सेट आप कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ए सेट कोई लेते हैं 2, 3, 5। तो आप लोग बताइएगा, ओ सॉरी ए सेट है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आप लोग बताइए थोड़ा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताएंगे थोड़ा, एक यानी कि जो जो इस देखिए, और ए जो होना चाहिए सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल का सबसेट ना, अभी एक चीज हम बता रहे हैं आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो ये 3 छोड़ देंगे, 5 है तो 5 छोड़ देंगे, यानी 2 छोड़ देना है, 3 छोड़ देना है, 5 छोड़ देना है, आइए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा हम लोग लिखे हैं ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, क्या इसको हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट बोल सकते हैं, एकदम नहीं बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट में हम लोग मान लीजिए कि आपका ये है यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हम लोग ए सेट हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 2, 3, 8, 9 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सल में से अगर ए घटाएंगे, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, शर्त है कि सबसेट होना चाहिए, शर्त है कि यूनिवर्सल का सबसेट होना चाहिए, बात ये थी सबसेट है इसका नहीं है, लेकिन डिफरेंस में हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, यानी कि यू माइनस ए डायरेक्ट कर देते हैं कि जो जो इसमें होने लिखेंगे फालतू है उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ फालतू से कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए 8, 9 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो ये सबसेट नहीं हुए, तो हम लोग इसको डिफरेंस ऑफ सेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया बढ़िया से। चलिए तो कुछ हम लोग क्या है और देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कुछ बुक से, देखिए थोड़ा तो देखिए कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, एग्जाम्पल क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट दे दिया है और आपका ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, ठीक है, तो क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी, एंड हेंस सो दैट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1.6। ध्यान से देखा जाए, ध्यान से लिखिएगा थोड़ा, क्या है अब देखिए, पहले चेक कर लेते हैं कि ये ए जो है सबसेट है कि नहीं यूनिवर्सल का, एकदम सबसेट है, देखिए 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5, चलिए ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, एक मिनट, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, ध्यान से देखिए थोड़ा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट देखिए ए में कितना है 2, 3, इधर से 2, 3 छोड़ दिया जाए, 2, 3 छोड़ दिया जाए, 1, 4, 5, 6, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया जाए, कोई दिक्कत, बी का कॉम्प्लीमेंट बी में क्या 3, 4, 5, 3, 4, 5 छोड़ दिया जाए, अब लिखा जाए 1, 2, 6, 1, 2, 6, कोई दिक्कत, आइए अगला क्या निकालना हमको, ये हो गया, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या दोबारा निकालिएगा ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, नहीं ना, क्या करेंगे हम लोग, जो निकाले हुए हैं ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट उसी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है थोड़ा आप लोग बताएंगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया है, बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया है, ये दोनों का कॉमन क्या क्या है, 1 कॉमन आ जाएंगे देखा जाए और 6 कॉमन आ जाएंगे, कोई दिक्कत, इंटरसेक्शन तो आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, ए यूनियन बी निकालना है, अब आइए ए यूनियन बी यहाँ निकाल देते हैं, ए यूनियन बी, ए क्या है आपका ये है, यूनियन बी क्या है आपका ये बी, ए सेट बी सेट, यूनियन मतलब क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है, बट ए जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार आने चाहिए, आइए तो देखा जाए, ये हम 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ये 3 लिख सकते हैं, नहीं कॉमन एलिमेंट है एक ही बार आना चाहिए, और ये हो गया 4, ये हो गया 5, कोई दिक्कत, और शो करने के लिए कहा है, क्या कहा है, तो हमने यहाँ पर शो कर दिया है, देखिए है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 1.6 आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आइए हम लोग जान लेते हैं कुछ सम प्रॉपर्टीज है किसके,
ये कम्प्लीमेंट और सेट के आइए देख लेते हैं। इसको मिटा दिए, देखा जा इसको मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं, उसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। आइए पहला जो है पहले लिखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। पहला है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट लॉ, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए क्या है लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। एंड ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई। प्रूफ करें इसको। ये जो है लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट एंड सॉरी ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। एंड ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव होता है। तो निकाला जाए, चलिए देखते हैं थोड़ा ध्यान से। इसको हमने कोई सेट हम लेते हैं, पहले यूनिवर्सल सेट लेते हैं, पहले कोई हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं 1 2 3 4 5। हमने कोई ए सेट लिया 2 3, चलिए निकाले। चलिए ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, देखिए 2 3 है, इसमें से 2 3 छोड़ दिया जाए, छोड़ दें छोड़ दें 2 3, चलिए 2 3 छोड़ देंगे तो 1 4 5। अब क्या निकालना है, ए और ए यूनियन ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं हम लोग तो 1 2 3 4 5 यानी इसी के लिमिट ना आएंगे, इसीलिए तो बहुत बोला गया क्या, ये यूनिवर्सल है बोला गया, ये समझ में आया यूनिवर्सल। आइए अब इंटरसेक्शन, तो देखिए ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब समझते हैं क्या, समझते हैं कॉमन, देखिए तो कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं ना, तो ये आ रहा है फाइव, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। आइए हम लोग अगला करें। अब है डी मॉर्गन्स लॉ, क्या है दूसरा, डी मॉर्गन्स लॉ, मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। सुनिए लाइट आ गया, देखिए अच्छा समय है। अब देखिए अगला है ए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है इक्वल टू ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर, साबित करें इसको। चलिए यही ले लें, यही सेट 1 2 3 और ए हम ए के कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं। आइए ए हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, ए सेट हमने लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला। और सुनिए सुनिए सुनिए, एक सेट बी भी लेना है इसमें, एक सेट आपका बी भी लेना है, तो आप एक बी सेट ले लिया जाए, एक बी सेट ले लिया जाए, क्या होंगे बी सेट ले लिया जाए, बी सेट हम लेते हैं 3 4 3 4 लेते हैं या 4 5 लेते हैं, 4 5 कोई दिक्कत नहीं ना। आइए तो निकालते हैं पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट 2 3 छोड़ देंगे तो 1 4 5 1 4 5। अब सुनिए ध्यान से, और बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो बी में 4 5 को अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, एकदम समझ में आ रहा होगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा थोड़ा। अब क्या क्या प्रूफ करना है, देखिए देखिए कहाँ है ये डी मॉर्गन्स, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी निकाला जाए थोड़ा, ए यूनियन बी निकाला जाए थोड़ा, ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो पहले तो ए यूनियन बी चाहिए, ए और बी जो माने हैं इसका यूनियन निकालिए, यूनियन निकालिए, यूनियन क्या होगा 2 3 4 5 2 3 4 5, समझ रहा है ना भाई। अरे हमने एक सेट ए लिया एक सेट बी लिया, इसको यूनियन निकालना है, निकालना है यूनियन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से ये इसको हटा देना, देखिए 2 3 4 5 2 3 4 5 हटा दीजिए, क्या सिर्फ 1 बचा, क्या बचा सिर्फ 1 बचा, हमको अप्रूव करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ,
ए इंटरसेक्शन, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट है ना, इसके इंटरसेक्शन के साथ ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट देखा जाए, दोनों में क्या कॉमन आएंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन आना, कॉमन क्या आएंगे वन, यानी कि ये साबित हो गया, ये प्रूफ हो गया ना, ये होना गया प्रूफ, ठीक है। तो आप लोग इसको खुद से करेंगे, प्लीज आप लोग इसको खुद से करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए इसमें से, ठीक है, उसका कम्प्लीमेंट निकालिए और ए के कम्प्लीमेंट बी के कम्प्लीमेंट का यूनियन कीजिए, देखिए बराबर आता है कि नहीं आता है, कोई दिक्कत। आइए हम लोग अब देखते हैं लॉ ऑफ, अगला जो है प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ इम्पार्टीसेट, इम्पार्टीसेट वो क्या होते हैं, फाई का कम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, और एक और होता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यानी कि यू का कम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई होगा। भाई सुनिए ध्यान से, अगर ये आपने हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया और हम फाई का एलिमेंट निकालेंगे, फाई तो कुछ ही नहीं, फाइव तो कुछ होता नहीं है, तो पूरा का पूरा आ जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर यूनिवर्सल सेट हमने लिया और यूनिवर्सल का ही हमने कम्प्लीमेंट निकाला, तो यूनिवर्सल में पूरा पूरा है, तो पूरा में से पूरा हट जाएगा, तो कुछ नहीं, तो ये आ गया फाइव, कोई दिक्कत, समझ में आया। अच्छा ये चीज सुनिए, वेन डायग्राम हमने नहीं बताया, वेन डायग्राम हमने नहीं बताया, आइए देख लेते हैं, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, कोई दिक्कत, आपका ये जो है आपका सेट ए है, ए सेट है, अब इसका ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए का कम्प्लीमेंट इस मतलब इसको छोड़ करके यूनिवर्सल में से इसको छोड़ करके जितने भी शेडेड एरिया है ना, छायांकित भाग है, वो सब क्या हो जाएंगे आपके ये ए का कम्प्लीमेंट, यहाँ दे दीजिए ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है, ये एरिया क्या हो जाएंगे आपके ए का कम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया। तो हम लोग चलते हैं, अब क्या करेंगे, उसको पॉज करके नोट कर लीजिए, हम लोग चलते हैं अब इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे, ठीक है, तब तक क्या करते रहे, इसको रिवीजन करें, वो आपका एक्सरसाइज जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है, तो तब तक क्या करें, इसको रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।